अगर आपके पास इस तरह का पुराना सैमसंग कंपनी को या फिर दूसरा कंपनी पुराना फोन, या फिर आपके पास इस तरह का लेटेस्ट जो फोन आता है अलीका मार्केट के, वो फोन, इन दोनों टाइप का फोन के अंदर अगर आपके फोन के अंदर हैंगिंग प्रॉब्लम होता है, या फिर स्टोरेज प्रॉब्लम होता है, या फिर बैटरी जो है वो काफी जल्दी खत्म हो जाता है, आपके फोन के साथ इस तरह का तीन प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरह का तीन प्रॉब्लम को आप बस आप अपने प्ले स्टोर के अंदर से कुछ सेटिंग ऐसे है जिसे आप ऑन ऑफ करके बड़ी आसानी से आप अपनी हैंगिंग प्रॉब्लम है, स्टोरेज प्रॉब्लम है, या फिर आपकी जो बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है उसका जो प्रॉब्लम है उसे आप काफी आराम से सॉल्व कर सकते। चलिए ज्यादा कुछ ना बोलते हुए प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं और जाके वहीं पे देखते हैं कौन सा मॉडल सकते हैं। तो आपने जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको मैं यहाँ पे सिस्टम लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो आपको सबसे पहले आपको जो प्ले स्टोर है इसे आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी जो प्ले स्टोर है आपको इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ आपके अकाउंट की लोगो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज ऐप एंड डिवाइस, आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्लिक करते हैं पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऊपर की तरफ आपको दूसरे नंबर पे मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर जितना भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके रखा है वो आपके पास यहाँ पे स्टोर है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनेज के नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलर, तो इसका मतलब है एक जो सारे सारे की एप्लीकेशन है वो इस टाइम पे आपको मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है। लेकिन आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको किसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलर और नॉट इंस्टॉलर, आपको यहाँ पे नॉट इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास आपके जो पेज है वो कुछ इस तरह से रिसेट होकर आपके पास आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सी आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगा जो कि करंट टाइम पे इस टाइम पे आपके मोबाइल के अंदर इन सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, लेकिन कभी ना कभी आप अपने मोबाइल के अंदर इन सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, आपने किसी काम की वजह से इन सभी एप्लीकेशन को अपने कभी कभी इंस्टॉल किया था और अपने काम खत्म होने के बाद आपने इसे अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन आप बोल रहे हो आप अपने मोबाइल के फोन के अंदर से आप अपने सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिए हो तो उसके मतलब आपके फोन के अंदर से इनका जो डाटा है सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो आपने यहाँ पे जितना सारा एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया था कभी ना कभी वो सारे सारे एप्लीकेशन आपके पास के हो रहा है। और यही पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हर एक एप्लीकेशन के नीचे की तरफ आपको कुछ एमबी कुछ केबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एंजल वन है, एचआई पे मैंने इंस्टॉल किया था, ये जो है मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं इस टाइम पे 46 MB यहाँ पे कंज्यूम करके बैठा है मेरे फोन के अंदर। उसके बाद है बैकग्राउंड इरेजर ये भी यहाँ पे 5.5 MB कंज्यूम करके बैठा है मेरे फोन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे एक एक करके देखते जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 85 MB, 33 MB, 36 MB, 83 MB, जिस तरह से आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपके पास यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन कितना जगह कितना पेस आपके फोन के अंदर से कंज्यूम करके बैठा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे एप्लीकेशन आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे विजिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको रिमूव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं सारा एप्लीकेशन रिमूव हो चुका है और यहाँ पे नीचे की तरफ जो एप्लीकेशन था वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से आपको यहाँ पे हर एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको उसे रिमूव कर देना है अपने फोन के अंदर। जैसे कर दोगे तो आपके फोन के अंदर से जितना भी डाटा ये सभी एप्लीकेशन आने से उनके बाद कंज्यूम करके बैठता आप जैसे इसे डिलीट कर दोगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो स्टोरेज प्रॉब्लम था वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस चीज को आप स्लेप और स्लेप नेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हो। इसके बाद जो प्ले स्टोर के अंदर नेक्स्ट बिल्डिंग है इस सेटिंग को करने के बाद क्या होता है उसके लिए देखते हैं। तो आपको उसके लिए आपको सिंपली सा प्ले स्टोर के आपके जो अकाउंट लोगो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इस बार आपको यहाँ पे फोन नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्ले पोर्टल, आपको सिंपली सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली सा यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो स्कैनिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग कोड पर आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना होगा। यहाँ पे स्कैनिंग का मतलब है बहुत सी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कोई भी ऐसे वायरस या फिर कोई भी ऐसे स्पैमिंग एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर के अंदर मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसे बग है या फिर कोई भी ऐसे या फिर कोई भी ऐसे वायरस है तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे स्कैन करोगे तो आपके पास यहाँ पे आपके मोबाइल फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर के अंदर डाउनलोड करके रखा है उसके अंदर कोई भी ऐसे बग होगा या फिर कोई भी ऐसे वायरस होगा तो आपको यहाँ पे स्कैन करके बता देगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन के अंदर इस टाइप के एप्लीकेशन है आपको यहाँ पे साफ साफ स्कैन होने के बाद दिखाई दे रहा है नो हार्मफुल ऐप फाउंड। उसका मतलब है मेरे फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी ऐसे वायरस नहीं है कोई ऐसे बग नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पे टोके रहे। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर इस तरह का मैसेज सुने हुए हैं अगर आपको यहाँ पे बताया जाता है एक एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन है जो कि आपके फोन को स्लो कर रहा है हैंग कर रहा है तो आपको यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन को तुरंत आपके फोन के अंदर से डिलीट कर देना होगा। लेकिन इस तरह का मैसेज हो रहा है इसका मतलब आपके फोन जो है
एप्लीकेशन की तरफ से बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे इस काम को आपको टाइम टू टाइम बीच में जब भी आपको टाइम मिले यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक बार कैंसर से देना है। तो इस काम को आप करोगे तो आपके फोन के अंदर जो हैंगिंग प्रॉब्लम है, लैगिंग प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा और आपके फोन जो है पहले की तरह फास्ट चलने लगेगा। इसके बाद नेटवर्क के अंदर जो नेक फिटिंग है, इस चीज को आपको करने से आपकी मोबाइल की जो बैटरी है उसकी लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। आपके फोन के अंदर जो इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता था वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जल्दी खत्म नहीं होगा। उसके साथ साथ आपकी फोन जो हैंग करता था वो भी नहीं होगा। उसके साथ साथ आपकी फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा, यानी कि आपकी इंटरनल मेमोरी प्लस आपकी रैम है वो भी काफी हद तक वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फोन जो है स्मूथ हो जाएगा। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली आपकी प्रोफाइल की नोट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाएगा जनरल का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नेटवर्क परफॉर्मेंस, आपको सिंपली से इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे दूसरे नंबर से ऑटो अपडेट ऐप, आपको सिंपली से इसको ओपन करना है। आपके पास यहाँ पे हो सकता है ओवर एनी नेटवर्क या फिर ओवर वाईफाई ओनली, ये सिलेक्ट हो रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो करना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप, इसको सिलेक्ट करके ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है अगर आपने अपने फोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है प्ले स्टोर के अंदर से उसका कोई भी अपडेट वर्जन आता है, अगर आप यहाँ पे वाईफाई या फिर एनी नेटवर्क को सिलेक्ट करके रखोगे तो जैसे ही अपडेट आता है तो आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा। अगर वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होगा ऑन होगा तो आपको सिंपली से इसको ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ कर दोगे तो आपके पास जितना भी आपके प्ले स्टोर के अंदर से आपने डाउनलोड करके रखा है उसको आपको वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। अपडेट नहीं होगा तो आपकी फोन की जो मेमोरी है इंटरनल मेमोरी कह लो या रैम कह लो उसके अंदर वो भरेगा नहीं, जिसकी वजह आपकी फोन जो है वो स्लो नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो प्ले वीडियो, आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे दो ऑटो प्ले वीडियो इसको सेट करके ओके पर क्लिक करना है। तो इसका मतलब है आपने देखा होगा जब भी आपने कोई भी गेम या फिर कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सी उसे एप्लीकेशन से बहुत सी ऐसे स्क्रीन शॉट या फिर बहुत सी ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो वहाँ पे वो जो वीडियो होता है वो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा, लेकिन अगर इसे ऑन करके रहोगे और जब भी आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर आओगे तो आप जिसे एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे उसके अंदर कोई वीडियो होगा तो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फोन के अंदर जो इंटरनेट है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपकी फोन की जो इंटरनेट है वो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक दिन खत्म होने से पहले आपकी जो 1 GB या फिर 1.5 GB या फिर 2 GB जो लिमिट माना जाता है वो काफी जल्दी खत्म हो जाता है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे इन दोनों चीज को आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर जो नेक सेटिंग है उसके लिए आपको आपके मोबाइल लोअर ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस बार आपको ऊपर की तरफ जनरल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो नोटिफिकेशन ऑन है लेकिन आपका यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन होगा। तो आपको यहाँ पे जो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो इन सभी नोटिफिकेशन को ऑफ करने की मतलब बस यही है, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो आपके फोन के अंदर जो प्ले स्टोर के अंदर से जो नोटिफिकेशन आता है यानी कि कभी कोई भी एप्लीकेशन अपडेट वर्जन आ गया है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसे प्री रजिस्ट्रेशन ऐप जो है वो लॉन्च होता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाता है। नॉर्मली हम लोगों को प्ले स्टोर की जो नोटिफिकेशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से अगर आप इसे ऑन करके रहोगे तो आपके फोन के अंदर जब भी कोई भी प्ले स्टोर के अंदर से नोटिफिकेशन आएगा तो आपके फोन के अंदर जो नोटिफिकेशन है वो एक के बाद एक आते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फोन जो है काफी हद तक स्लो हो जाता है या फिर हैंग करने लग जाए। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है इन दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑफ करके रखना है। इसके बाद यहीं पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिल जाए, एक है ड्राफ, आप चाहते हैं यहाँ पे ड्राफ को क्लिक करके आपको उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो फोन है यानी कि आपकी जो प्ले स्टोर है वो यहाँ पे ड्रैग मोड पे ओपन हो जाएगा। ड्रैग मोड पे ओपन होगा आपको पता ही होगा अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन जो वॉलपेपर है या फिर आपकी स्क्रीन जो पूरा होगा उसे ड्रैग मोड पे इनेबल करके आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हो तो उससे आपकी फोन की जो बैटरी है वो काफी हद तक जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता था उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे सिम के अंदर आके ड्रैग को सिलेक्ट करके ओपीपी पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देता है सेट बाय बैटरी सेवर, आप इसे भी सिलेक्ट करके आप तो इस तरह से प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ ऑप्शन है। चाहे आपके पास कोई भी पुराना फोन हो या फिर न्यू फोन हो आप उसके अंदर इन सभी सेटिंग को आप ऑन कर देते तो आपके फोन के अंदर आप खुद महसूस कर सकते हो आपके फोन जो पहले से तो एक प्रॉब्लम या फिर हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ साथ जो काफी हद तक आपके फोन जो
डेटा है 5 जी की, जो डेटा लिमिट है वो काफी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता था तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। आपकी फोन की जो बैटरी है काफी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता था तो वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको आपकी फोन की वीडियो किसी तरह का नए वीडियो को देखना पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि चैनल के अंदर ऐसे ही हेल्पफुल नॉलेजेबल टॉपिक की बात मैं एक एक करके वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आज तक ऐसी और एक वंदे मातरम।